Chemistry Classroom, my YouTube channel Learn Chem. Today we are going to start a new chapter, and that is Unit 9 from your chemistry book, Coordination Compounds. Okay, before I talk about directly coordination compounds, ये जो word है ना, coordination compounds, okay. हमारा मेन फोकस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, राइट. अब ये वर्ड है कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है? जब आप इसका लिटरेरी मीनिंग लेते हो, कोऑर्डिनेशन मींस इन कोऑर्डिनेशन, मतलब मिलजुल कर. ऐसे बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन में काम करो. बहुत बार टीचर्स बोलते होंगे, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि आप दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट. तो कोऑर्डिनेशन मतलब दो पार्टनर हैं एंड बोथ हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो दोनों की ड्यूटीज भी हैं, राइट्स भी हैं. तो अब मॉलिक्यूल्स के अंदर हम किन पार्टनर्स की बात करने वाले हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन का एक तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पे जो भी दो कंपोनेंट होंगे, दे हैव टू कोऑर्डिनेट, दोनों को ही इक्वल पार्टिसिपेशन करना है. यूनिट फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग. 11th क्लास के अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़कर आए हो, राइट. वहां पे आप लोग पढ़ते हो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यू रिमेम्बर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और मैंने तब आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर बेस्ड हम फुल फ्लेश्ड एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या रहेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, डोनेशन डेटिव बॉन्ड. और कुछ बुक्स में लिखा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल कैटेगरी आ जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाती हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है. देखो, आयोनिक के अंदर दोनों मेंबर्स रहते हैं, राइट. आयोनिक के अंदर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरी एटम ने लिया, ये बन गया ए पॉजिटिव, ये बन गया बी नेगेटिव, और दोनों मिलकर क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड, राइट. ओके, इन केस ऑफ कोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया. और ये जो मैंने डंडा लगाया है बीच में, ये जो लाइन लगाई है, इट मीन्स सिंगल लाइन मीन्स इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और अगर हम दो लाइन्स लगाते हैं, इट मीन्स डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का मतलब इट इज हैविंग फोर इलेक्ट्रॉन्स. आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है प्लस वन के अंदर, राइट. तो ये तो हो गया कोवेलेंट और ये हो गया आयोनिक. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेशलिटी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दो मेंबर हैं, राइट. एक मेंबर है ए और एक मेंबर है बी. एक है इलेक्ट्रॉन रिच और एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट. इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इस बॉन्ड की स्पेशलिटी क्या है? जो बीच में बॉन्ड बनता है ना, हम सिंगल डंडी लगाते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, राइट. इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड by one atom and shared by both atoms. Share दोनों करेंगे लेकिन donation एक करेगा. तो जो electron rich है वो होता है donor, और जो electron deficient है वो होता है acceptor, right? तो simple सी बात, इसने इसको electrons दिए, फिर हम इसको कैसे represent करते हैं? A ने electron दिए हैं B को. तो ये जो सिंगल हेडेड एरो है, इट रिप्रेजेंट्स कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को गए हैं. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूं. इलेक्ट्रॉन रिच इसको क्या बोलते हैं? ल्यूइस बेस. ल्यूइस बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच. एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है? ल्यूइस एसिड. द स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर ल्यूइस एसिड्स. ओके, तो ये क्या बन गया? नाउ दिस इज कॉल्ड ल्यूइस कॉम्प्लेक्स.
एसिड और बेस का कॉम्प्लेक्स, बेस डोनर है और एसिड क्या है एसेप्टर, तो इट वॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस चैप्टर के अंदर ये सारे का सारा चैप्टर जो है इट इज बेस्ड अपॉन दिस बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों ही पार्टनर, दोनों का अपना रोल प्ले है। इसके अंदर खाली ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए ऑर्बिटल्स भी तो चाहिए ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास खाली ऑर्बिटल्स थी, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए कि कोई बात नहीं तेरे पास खाली जगह है, ओके तो मैं, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा है, चलो हम शेयर कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोथ आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, राइट। जिसकी डेफिशिएंसी थी वो भी फुलफिल हो गई, जिसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा मैं इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखिए ये है मेरे पास अमोनिया एच एच एच, ओके मैं इसको ना ऐसे बनाती हूँ, ये रहा एच और इसके ऊपर क्या है लोन पेयर, राइट। तो ये तीन कोवलेंट बॉन्ड है और लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास, ओके। इधर से मेरे पास आया एच पॉजिटिव, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब इसकी 1s 0 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज ल्यूइस एसिड एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट इज ल्यूइस बेस। तो वेरी सिंपल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दे देती है, तो ये क्या बन जाएगा नाइट्रोजन सिंगल सिंगल सिंगल, ओके। एक तरीका ये है आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो ये बन गया, अब ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स गए इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या हम किसके ऊपर शो करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि इसका चार्ज सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या बन गया अमोनियम। अब पढ़ते हो ना अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अब जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो इसके ऊपर आ गया नाइट्रोजन के ऊपर आ गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से गए हैं, राइट। तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बिना जाने इस्तेमाल करते हो, आप उसको मेंशन भी नहीं करते हो, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल, तो आप उसको ऐसे बनाते हो एक डबल बॉन्ड इधर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, तो आपको पता भी नहीं होता आप इसको यूज कर रहे हो, आप बनाते हो इस तरीके से, है ना, बनाते हैं ना सभी, तो दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर बेस्ड हम सारी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं क्या, दीज आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड as well as in aqueous solutions. So, these are coordination compounds are molecular compounds formed by the combination of two or more stable compounds and retain their identity in solid as well as in aqueous solutions. इस चीज का क्या मतलब है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें पहले से ही स्टेबल कंपाउंड चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात दीज कंटेन, इसके अंदर जो दोनों पार्टनर्स हैं दे आर, इसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इसमें रहेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, NiCl2, दिस इज निकल क्लोराइड और आपने सबने देखा हुआ है ग्रीन कलर का होता है, याद कीजिए इट इज ऑफ ग्रीन कलर, राइट, ओके, इट्स अ स्टेबल कंपाउंड। चलिए आपको पता है अमोनिया भी स्टेबल है, अमोनिया इज अ स्टेबल
कंपाउंड, ये दोनों मिक्स हुए तो मेरे पास बना एन आई, अमोनिया लग गया इसके साथ और ये सीएल टू चला गया आगे। अब ये जो नया कंपाउंड बना, दिस इज पर्पल इन कलर, दीज आर पर्पल क्रिस्टल्स एंड दिस इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मैंने इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों कहा, अब देखिए ध्यान से, निकल के साथ यहां दो क्लोरीन्स लगी हैं, तो इसके ऊपर माइनस वन चार्ज, इसके ऊपर प्लस टू चार्ज, डन। यहां पे अमोनिया, अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो, क्लोरीन के ऊपर माइनस वन और इसके ऊपर प्लस टू, चार्ज बैलेंस। लेकिन निकल के साथ ये सिक्स अमोनिया कैसे लग गए, हाउ दे आर बॉन्डिंग टू निकल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सारी बातें स्टडी करेंगे कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको गवर्न करती है, हम सारी बातें करेंगे वन बाय वन। जस्ट अभी हमें कोऑर्डिनेट को किसी और के साथ कोरिलेट करना है, उस पर मैं अभी आने वाली हूं। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, मैंने इसको एक्वो सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। जब ये टूटेगा, अब देखो ये वाला पोर्शन क्या है, केटाइन, तो ये बन गया एन आई सिक्स अमोनिया, नेट चार्ज टू पॉजिटिव एंड टू सी एल नेगेटिव। अब ये वाला जो पोर्शन है, इधर भी था और इधर भी है, इसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी, सॉलिड में भी, क्रिस्टल्स है ना, दीज आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी, और जब ये डिसॉल्व कर गया एक्वस में चला गया तब भी, मतलब सॉलिड में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था और एक्वस में जाके भी क्या रहा, ये एक्वस कंपाउंड। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है ना, दिस इज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एज इट इज रहेगी, इससे आगे नहीं तोड़ सकते आप इसको। ये ब्रैकेट हमें बताती है कि ब्रैकेट के अंदर जो दो लोग हैं उसमें एक मेटल है और एक और स्टेबल कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो मेंबर है ना इसके अंदर, दे आर बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ये लोग जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में हम वो डेफिनेशंस करेंगे, अभी सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ही रहता है, ठीक है। अब मैं इसको एक और ऐसे ही कंपाउंड के साथ, देखने में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं हम, देखने में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ओके। ये तो हमने खुद बनाया, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एंड दैट इज हेमोग्लोबिन, राइट। तो दिस इज हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन मीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन, ये है प्रोटीनिक पार्ट और ये है नॉन प्रोटीनिक, और इसके अंदर क्या रहता है, आयरन। जब किसी में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एचबी टेस्ट करते हैं और क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा इसका एचबी कम हो गया है, एनीमिक है, एनीमिक मतलब इसका ब्लड कम हो गया, ब्लड कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी का फ्लूइड कम हो गया, ब्लड कम होने का मतलब उसमें आयरन की कमी आ गई है, ठीक है। आंखें पीली पड़ जाती हैं, बहुत सारे आपको पता है स्कूल्स के अंदर चेक करते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करते हैं ना, आके हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, फिर जितने भी एनीमिक है उनकी लिस्ट बनती है, राइट। तो हेमोग्लोबिन इट इज अ नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। तो उसमें क्या रहता है, ये सेंटर में रहता है आयरन, और एक ऐसे पोरफायरल रिंग होती है, ये चारों तरफ से ऐसे घिरा होता है, इसके साथ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो ये तो था हीमोग्लोबिन। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैं अलग से नहीं बताऊंगी, ये आपने नोट करते जाना है कि कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, एंड दैट इज आयरन, आयरन टू पॉजिटिव, ओके। क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल इट्स अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स. हीमोग्लोबिन क्या था? रेड पिगमेंट, है ना. एचबी क्या था? रेड पिगमेंट इन आवर बॉडी, रेड पिगमेंट. एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. जितने भी प्लांट्स हैं वो सबके अंदर ग्रीन कलर किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव. ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट. ओके, वन मोर. हमारे पास है विटामिन B12. इसका जो केमिकल नेम है दैट इज साइनोकोबालामिन. और इसके अंदर जो मेटल रहती है विटामिन B12 के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज कोबाल्ट, राइट. तो कोबाल्ट इज द मेटल विच इज प्रेजेंट इन विटामिन B12. तो आप देखो आपकी सराउंडिंग में ही नेचुरल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. विटामिन्स आर स्टेबल, क्लोरोफिल कितना स्टेबल है, हेमोग्लोबिन कितना स्टेबल है, और ये सारे के सारे ये जो मेटल आइंस है ना बीच में, ये बाकी ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट. तो आपने देखा बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, ये बड़े साइज के कंपाउंड्स हैं, राइट. अब ऐसा ही मैं एक और मॉलिक्यूल लिखती हूं, K2SO4 Al2SO3 एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल. देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है. तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? ओके, वन मोर. FeSO4 अमोनिया सल्फेट H2O. This is called potash alum and this is called Mohr's salt. कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं. तो क्या ये भी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं? नहीं है. क्यों नहीं है? लेट फाइंड आउट. देखने में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पानी में डिजोल्व करूंगी ये टूट जाएगा. क्या बनेगा? 2K पॉजिटिव और क्या निकला? सल्फेट 2 नेगेटिव. आगे क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट. इसमें से निकले 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट, राइट. वाटर तो वाटर है, सारे का सारा एक्वस हो गया ना, वाटर भी हट गया. अब देखिए पोटैश एलम, पोटैश एलम पता क्या होता है? फिटकरी. मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है इसके बारे में. पोटैश एलम इट इज फिटकरी. आपके घरों में हो सकता है आपके दादाजी आज भी यूज करते हो. इट इज यूज्ड एज अ आफ्टर शेव लोशन. कहीं पे कट लग जाता है तो फिटकरी लगाते हैं. कई बार किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो फिटकरी का पानी डालकर उसको फ्रैक्चर वाली जगह को धोते हैं. तो ये क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना ज्यादा आ जाता है, जैसे पानी में जाएगा, देखो सल्फेट 2 नेगेटिव और 3, 3 टू 6, 6 नेगेटिव 2 नेगेटिव, टोटल 8 नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो अगर कहीं पे कट लगा होगा तो ब्लड को, ब्लड के ऊपर जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ब्लड इज अ नेगेटिव सोल, तो इसके अंदर देखो पॉजिटिव हमारे पास आयंस है. तो ये बहुत आसानी से ब्लड को कोगुलेट कर देता है, उसके फ्लो को रोक देता है, ठीक है. लेकिन हुआ क्या, पानी में जाते ही, वैसे तो ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसी जैसे पियर सोप होता है ना, बिल्कुल वैसी, वो येलो होता है, ये व्हाइट कलर का पीस होता है, ठीक है, फिटकरी. लेकिन पानी में जाते ही वो घुल जाती है, और जो घुलने के बाद टेस्ट आएंगे वो किसके आएंगे? पोटेशियम आयन के, सल्फेट के और एल्युमिनियम के. इधर क्या थी? फिटकरी, सॉलिड थी. पानी में जाते ही उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी. ऐसे ही जब हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, देन 2 अमोनिया, अमोनियम एंड सल्फेट 2 नेगेटिव. वाटर तो एज इट इज उसमें चला जाएगा, एक्वस में चला जाएगा, ये सारे के सारे एक्वस.
तो पानी में जाते ही इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। तो वर्चुअली ये क्या थे, इनका आपस में किसी तरह का भी स्टेबल बॉन्ड नहीं था, दे वर जस्ट एडेड, ये सिर्फ आपस में एड होकर बैठे हुए थे। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज एडिशन कंपाउंड्स, इनको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। और क्या है, पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट, दोनों आपस में जुड़े तो क्या बन गया, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट हुआ ना। फेरस सल्फेट एक सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट, दोनों आपस में जुड़ गए एक और दो, क्या बन गया, डबल सॉल्ट। तो दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा क्या है, डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स भी क्या है, दीज आर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दोज आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, दोज आर नॉट एडिशन कंपाउंड्स, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। ओके अब देखें ये जो डबल सॉल्ट है, अब हमारे पास एक और नई टर्म आ गई, आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, डबल सॉल्ट। तो दीज आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड इक्विमोलर solutions of two or more components, ठीक है, इनको saturated compounds, दो components या दो से ज्यादा components के saturated compounds को हम लेते हैं, which do not retain their identity in aqueous solutions. फर्क क्या है, ये वाले क्या थे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कि स्टेबल, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करने से बनते थे, एंड दे यूज टू रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन aqueous form. But यहां पे क्या है, these are addition or molecular compounds formed by mixing saturated equimolar solutions of two or more components which do not retain, ठीक है, and these do not retain their identity in aqueous solution, क्योंकि aqueous में जाके वो सिर्फ ions ही देंगे, ठीक है ना। तो ये थे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके अब मैं थोड़ा सा ना इनको डिफरेंसेस की फॉर्म में लेती हूं, तब हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो एक साइड मैं ले रही हूं डबल सॉल्ट और एक साइड हमने ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन ही आ गई कि दीज आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, दीज आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, राइट। ओके इसके लिए एडिशन कंपाउंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स, जिनको हम मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में इक्विमोलर सॉल्यूशंस मे नॉट बी टेकन, हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, इट इज एज पर रिक्वायरमेंट। अब एक चीज देखिए, डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल है, मेटल शोज इट्स नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, जैसे K2SO4, Al2,
SO4 thrice 24H2O. तो यहां पोटेशियम के ऊपर है प्लस वन, एल्यूमिनियम के ऊपर है प्लस थ्री, और यही इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. दिस इज पोटेश एलम, राइट. और दूसरी बात, दीज आर बाउंड थ्रू आयोनिक बॉन्ड. दीज आर हैविंग आयोनिक बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इनके अंदर क्या है? आयोनिक बॉन्ड. लेकिन इसके अंदर जो है मेटल शोज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी इसको क्या बोलते हैं, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगी. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू अलोंग विद, नॉट एज कंपेयर टू, अलोंग विद इट्स नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे हमारे पास आया था Ni6 अमोनिया और बाहर क्या था Cl2, ठीक है. इसी तरीके से K4FeCN6, ठीक है. अब देखो आयरन निकल -1 0, इसके ऊपर क्या आया? +2. तो यहां पे एक तो निकल दिखा रहा है +2, लेकिन दूसरी तरफ निकल के साथ जुड़े हैं 6 अमोनिया, तो दो तरह की वैलेंसी है. यहां पे आयरन पोटेशियम हमेशा +1 होगा, -1, टोटल हो गया -6 +4, तो यहां क्या आया? +2. तो यहां पे आयरन दिखा रहा है +2 एंड ऑल्सो आयरन के साथ जुड़े हैं 6 अमोनिया. ये एक अलग तरह की उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोलूंगी अभी मैं, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने बात नहीं की है कि इसको क्या बोलते हैं. तो दो तरह की, इसमें नॉर्मल वैलेंसी आयनिक बॉन्ड, लेकिन इसके अंदर दो तरह की वैलेंसीज हैं, और बॉन्ड कौन सा आ रहा है बीच में? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है. उधर आयनिक बॉन्ड और उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब देखो, जिससे भी हमने डबल सॉल्ट बनाया, जैसे K2SO4 प्लस Al2SO3, और इसको भी पानी में घोला, इसको भी पानी में घोला, राइट, और ये बन गया K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O. अब देखो इसको बनाया कैसे. जब हम थ्योरेटिकली क्रिस्टल्स बनाते हैं ना, तो हम बहुत मेजरमेंट लिखते हैं. टेक 50 ml वाटर, एड 5 g ऑफ जो भी हमारे पास इम्प्योर सैंपल. लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपने वैसे ही किया था? नहीं, क्योंकि जल्दी बनाने हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को फॉलो करके चलेंगे, बिल्कुल हमें एक्यूरेसी चाहिए, वो एक सेपरेट इशू है. जब हम सिर्फ क्रिस्टल्स ही सेपरेट करना सीखना चाहते हैं, तो सिंपल ये रखना है, कम से कम पानी लेना है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर लीजिए आप, ठीक है. तो यहां पे जितना भी आपने इक्विमोलर लिया, तो लेट इट बी जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है 1 mole 1 mole, तो इसको लिया हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एक बीकर लिया और उसमें हमने कम से कम पानी डाला और उसमें डिजोल्व कर दिया K2SO4, इसका बना दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब K2SO4 घुलना बंद हो जाए. दूसरा हमने बीकर लिया और उसके अंदर हमने ऐड किया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, थोड़ा सा पानी लिया जितना जरूरी था, और ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हो गया, ओके. अब इन दोनों को मैंने एक चाइना डिश में शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को, इसको भी और इसको भी. अब इसके अंदर दोनों आ गए, K2SO4 भी आ गया और एल्यूमिनियम सल्फेट भी आ गया. फिर हम इसके बनाते हैं क्रिस्टल्स, इसको हीट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करते हैं, फिर इसको कूलिंग के लिए रख देते हैं, और जो क्रिस्टल यहां पे बनेंगे दे विल बी ऑफ पोटैश एलम. अब ये ऐड नहीं हुआ, अब ये हो गया K2SO4 Al2SO3 24H2O. और आपको पता है ये जो 24 है, these are called water of crystallization. Solid को stable करने के लिए
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से बनते हैं क्रिस्टल्स। अब डबल सॉल्ट के लिए हमने क्या किया, पोटेशियम सल्फेट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, एल्युमिनियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, दोनों को एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया, फिर उसके क्रिस्टल्स बनाए, कूल कर लिया और हमारे पास आ गया पोटाश एलो। अब आप चाहे इनको पानी में डिसॉल्व करो। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया था तो इसमें कौन कौन था, के पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव। इसको किया तो इसके अंदर क्या था, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। अब क्या बन गया, पोटाश एलम। और आपको पता है जब ये पानी के अंदर टूटेगा तो ये भी क्या देगा, के पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव। मतलब डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज सेम है जिन कंपोनेंट से उसको बनाया जाता है। उसी से देखो, अगर इनको पानी में घोलोगे तब भी सेम आयंस रहेंगे, जब फिटकरी बन जाएगी उसको पानी में घोलेंगे तब भी सेम। तो दोनों जो कंपोनेंट मिक्स किए वो और जो कंपाउंड बना, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड देखें अब क्या होगा, इधर तो सेम आ गई प्रॉपर्टीज क्योंकि आयंस सेम आ रहे हैं, और इधर जब हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं, मेरे पास है KCN प्लस FeCN ट्वाइस, ठीक है, फेरस साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। आपको पता है पोटेशियम साइनाइड इज द मोस्ट पॉइजनस कंपाउंड, बहुत ही पॉइजनस होता है, ठीक है, तो नॉर्मल लैब्स में रखा भी नहीं जाता है। ये दोनों जब हमने मिक्स किए तो क्या बना, K4 FeCN6। जब ये पानी में जा रहा था तो K पॉजिटिव CN नेगेटिव बन रहा था, ये बन रहा था देखो इसमें से निकल रहे थे Fe2 पॉजिटिव और 2CN नेगेटिव, यहां से निकल रहे थे K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। लेकिन अब ये बन गया, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब ये टूटेगा इट विल गिव 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या लिया है प्लस 2 चार्ज, ऑटोमेटिकली 2 आएगा क्योंकि अल्कली मेटल के ऊपर हमेशा 1 रहेगा। तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज जिससे हमने इनको मिक्स करके बनाया क्या सेम है, जी नहीं, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। जिन कंपोनेंट को मिक्स करके हमने ये कंपाउंड बनाया है ये उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक मैंने और आपको एग्जांपल दिया था, निकल क्लोराइड इट्स अ क्रिस्टल और हमने 6 अमोनिया, अरे अमोनिया इज अ गैस, निकल क्लोराइड उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन जब ये जुड़ गए आपस में और ये बन गया पर्पल कलर का क्रिस्टल, अब इसकी प्रॉपर्टीज ना तो अमोनिया से मैच करती है ना इसके साथ मैच करती है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज जो है दीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स फ्रॉम व्हिच दे आर प्रिपेयर्ड। डिफरेंसेस क्लियर हुए सबको, ठीक है। देन अब ये थे डिफरेंसेस, आपने ये देख लिया कि नॉर्मल मेटल की वैलेंसी डबल सॉल्ट के अंदर जो हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही रहती है। अच्छा एक चीज अब आप देखना, सबसे सिंपल कंपाउंड, मुझे कोई पूछे नेम एन आयनिक कंपाउंड, मैं बिल्कुल सिंपल कंपाउंड बोलूंगी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड, राइट, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इसके अंदर है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज केटाइन, दिस इज एनायन, क्लियर। उसी तरीके से अगर मेरे पास है K4 FeCN6 तो ये पोर्शन आ गया सोडियम की जगह पे और ये पोर्शन आ गया क्लोराइड की जगह पे, तो दिस पोर्शन K पॉजिटिव वाला दिस इज केटाइनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एनायन का। अब आप इसको तोड़ के देख लीजिए, जब टूटा तो ये बना 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव।
तो देख लीजिए नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आता वो क्या बना एनायन एंड दिस इज केटायन। तरीका वही है, चीजें वही हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ा, हमारे पास एक अलग तरह की बॉन्डिंग आ गई। ये जो मेटल्स हैं एंड मेटल्स आर कौन सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। वही मेटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स होंगी जो कि खाली हैं, ठीक है। अब अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसकी कॉन्फिगरेशन अगर मुझे लिखनी हो वेरी सिंपल 4s2 3d6। मेन शेल कौन सी है, फोर्थ। इसका मतलब इसके पास 4p भी खाली पड़ी हुई है और 4d भी खाली पड़ी हुई है। बहुत सारे कमरे हैं इसके घर में जो खाली पड़े हुए हैं, तो ये किसी भी टाइम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशन के साथ वो कमरे किराए पे दे सकती है, राइट। तो वो कोऑर्डिनेशन है कि मेरे घर में जगह खाली है, ओके भाई आपके पास सामान है आप रख लीजिए, लेकिन बदले में आपको मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉन्डिंग बन जाएगी, मॉलिक्यूल और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आयरन अपनी नॉर्मल वैलेंसी तो पूरी कर ही रही है, नॉर्मल वैलेंसी तो पूरी कर ही रही है, 2 पॉजिटिव शो कर रही है, लेकिन अलोंग विद दैट इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग इट्स वन अनदर टाइप ऑफ वैलेंसी। हम उसके बारे में वॉनर्स थ्योरी के अंदर बात करेंगे, मैं डिटेल में वहां समझाऊंगी, लेकिन यहां मेरा आपको बताने का मतलब यही था कि इनको लेके पैनिक नहीं करना है कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं। इनका नॉमेनक्लेचर पेपर में आता है एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है, राइट। और अब हम बात करेंगे इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वही है जो ब्रैकेट के अंदर है, राइट। ये वाला पोर्शन दिस इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब टूट जाएगा ये वाला पोर्शन, ये तो आयनिक हो गया, देखो ये अलग केटाइन और एनायन अलग, लेकिन ये इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं मैं उसकी एक लिस्ट बना लेती हूं, देन हम एक एक करके उसको करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी एक लिस्ट बनाई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक मेटल है और उस मेटल के साथ कुछ और मेरे पास आयंस लगे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ आयंस लगे हैं जो इस मेटल की एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज भी है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों को एनक्लोज कर रही है जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर क्या है, एक इसमें रहेगी सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायनिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायनिक आयंस थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायनिक आयंस थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्लियर। तो आप किसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी बोलेंगे, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, ये मेटल एटम भी हो सकती है और आयन भी हो सकता है, राइट। अब आप यहां पे देखो तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो दिस इज सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड टू न्यूट्रल और एनायनिक एनायंस थ्रू
coordinate bond enclosed in a square bracket, it is known as coordination complex or coordination entity. Clear? Okay. अब मैं अगर इनके types की बात करूं, coordination complexes कितनी तरह के होंगे? देखिए ध्यान से जरा. तो these are of three types. तीन तरह के होंगे. एक है anionic, एक है cationic और तीसरी टाइप है न्यूट्रल. एनायनिक मतलब जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज, एफ ई सी एन सिक्स नेट चार्ज 4 नेगेटिव, देन लेट इट बी कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ लगे हैं सी एन सिक्स नेट चार्ज 3 नेगेटिव. तो जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, निकल एन आई सी एन फोर एन आई सी एल फोर, तो इसके ऊपर नेट चार्ज 2 नेगेटिव, राइट. तो जब नेट चार्ज 2 नेगेटिव मींस ये एनायन की जगह पे प्रेजेंट होंगे. जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दीज आर कॉल्ड एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. और अगर इनके ऊपर केटाइनिक आता है, लेट फाइंड आउट CO NH3 6 टाइम नेट चार्ज 3 पॉजिटिव, Ni 4 अमोनिया नेट चार्ज 2 पॉजिटिव. अब देखो ये किसकी जगह पे आ रहे हैं, केटाइन की जगह पे, ठीक है. इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है केटाइन की जगह पे. देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर न्यूट्रल, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल. कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज, निकल के ऊपर भी 0, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, ओके. देन कोबाल्ट CO 6 टाइम्स नेट चार्ज 0, इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है. देन कोबाल्ट, इसके साथ लगे हैं 3 अमोनिया और 3 लग गए क्लोराइड, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या आया 0. जरूरी नहीं है सारे एक ही तरह के आप लगाएंगे और हो जाएगा, ये हो गया 0, ओके. एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लैटिनम, लेट इट बी PtCl2 और इसके साथ प्लैटिनम के साथ प्रेजेंट है अमोनिया, नेट चार्ज 0. अब ऐसा नहीं है कि मेटल के ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर है +2 -1, नेट क्या आया 0, ठीक है. यहां पे -1 +3 नेट क्या आया 0, लेकिन यहां 0 है और इसके ऊपर भी 0 है. तो तीन तरह के आए. अगर सफियर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, सफियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइनिक, और ये न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल. अच्छा अब एक चीज देखिए, मैं इसको लिखने लगी तो 4 नेगेटिव है ना, मैंने इसके बाहर लगा दिया K4 Fe CN6, हो गया बैलेंस, ओके. यहां पे नेट चार्ज है 3, तो मेरे को 3 नेगेटिव चार्जेस चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी CO NH3 6 टाइम्स, साथ में मैंने लगा दिया Cl3, हो गया बैलेंस. 3 पॉजिटिव था, अगर इसको मैं हटा देती हूं तो इस पे क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज. तो ये देखिए अब ये किसकी जगह पे प्रेजेंट है, सोडियम की जगह पे, और ये किसकी जगह पे क्लोराइड, ये किसकी जगह पे है सोडियम की जगह पे और ये किसकी जगह पे है क्लोराइड की. सिंपल, जब ये क्लोराइड की जगह पे आया तो नेगेटिव, जब ये सोडियम की जगह पे आया तो पॉजिटिव, है ना, आसान, ओके. तो वो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है. इनको किसी को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, विद प्रैक्टिस आप बिल्कुल सीख जाएंगे, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगी हम इनको बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है. तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. इसको मैं हटाऊंगी, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं विद नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मैंने इसको हटा दिया तो क्या बनेगा, ये CO NH3 6 टाइम्स नेट चार्ज 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तभी ऐसे बनेगा, ठीक है. तो ये थे तीन तरह के, एनायनिक, केटायनिक एंड न्यूट्रल. तो कौन थे ये, दीज वर
कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम. व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन? ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो मेटल, चलो मैं पूरा कॉम्प्लेक्स ले लेती हूं, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर मेटल विच इज बॉन्डेड टू न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन. बातें वही है, बार बार वही रेपिटेशन होती जाएगी, आपको जस्ट ध्यान रखना है इसका. तो सेंट्रल मेटल एटम, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? देखो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन जो मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मेटल विच इज एनक्लोज्ड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड बॉन्डेड टू न्यूट्रल और आयोनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन. अगर इसके ऊपर चार्ज है तो वो एटम, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो एटम, अगर कोई चार्ज आता है तो इट विल बी आयन, राइट? तो नेक्स्ट लाइगेंस. व्हाट आर लाइगेंस? सेंट्रल, और ये वो होती है सेंट्रल एटम मेटल एटम और आयन, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल और आयोनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट? अब आई लाइगेंस, इसी के साथ मिलता जुलता रहेगा. व्हाट आर लाइगेंस? आपको पता है दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, अब मैं फिर एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रही हूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो कंपोनेंट जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, राइट, न्यूट्रल और आयोनिक मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लाइगेंस. वेरी सिंपल. अब देखो कॉम्प्लेक्स तो वही है, स्फीयर लग गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए दैट इज, जो डोनर है दैट इज लाइगेंड. और डोनर आपको पता है ल्यूइस बेस न्यूट्रल भी हो सकता है और वो आयोनिक भी हो सकता है, मींस इट मे हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए. तो ये था लाइगेंस. ओके, अब देखते हैं लाइगेंस की टाइप्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंस. मैं इधर ही लिखूंगी इनके नाम क्योंकि मुझे बोर्ड खाली चाहिए. टाइप्स में देखो, पहला है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, फिर है बाईडेंटेट, बाईडेंटेट, फिर है पॉलीडेंटेट. पॉलीडेंटेट, अब एक और वर्ड आ गया डेंटेट. डेंटेट मतलब दांत, ठीक है? तो इसकी डेंटिसिटी, कितनी डोनेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ लाइगेंड. तो जो सिर्फ वन लोन पेयर डोनेट करे, इट कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट. इट कैन डोनेट टू लोन पेयर्स, इट इज कॉल्ड बाईडेंटेट, और कुछ बुक्स में डाइडेंटेट भी लिखा होगा.
एंड मोर देन टू, मोर देन टू. तो देखो अगर तीन होंगे तो ट्राइडेंटेट, चार होंगे तो टेट्राडेंटेट, पांच होंगे तो पेंटाडेंटेट, छह होंगे तो हेक्साडेंटेट. तो लाइगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ डोनेशन, उस तरीके से इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मोनोडेंटेट. ठीक है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट का मतलब डोनेशन कितनी, एक लोन पेयर की. तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल अमोनिया, ठीक, वाटर. लोन पेयर दो है लेकिन डोनेशन एक की ही होती है. सारे के सारे सिंगल वाले एनायंस, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सो, साइनाइड, SCN, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डोनेशन करते हैं ओनली वन लोन पेयर, तो उनके अंदर आ जाते हैं मोनोडेंटेट. ठीक है, एसीटेट, CH3COO-. हम इनकी ना आगे भी डिटेल बनाने वाले हैं, यहां मैं सिर्फ आपको डेंटिसिटी के बारे में बता रही हूं कि ये सिर्फ एक डोनेशन करेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. तो अगर आयरन के साथ सिक्स अमोनिया लगे हैं तो अमोनिया कितने बॉन्ड बना सकता है, एक. तो इसका मतलब इस आयरन के साथ अमोनिया ने सिक्स बॉन्ड्स बनाए हैं. समझ आ गई बात? तो एक क्या है, एक बॉन्ड, सिक्स का कितना हो जाएगा, सिक्स बॉन्ड्स, राइट. तो ये थे मोनोडेंटेट, क्लियर सबको. अब बात करते हैं डाइडेंटेट और बाइडेंटेट के बारे में. डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, अब इसके अंदर दो डोनर एटम्स होंगे. मोनोडेंटेट के अंदर देयर इज ओनली वन डोनर एटम. मोनोडेंटेट्स दे कंटेन ओनली वन डोनर एटम. अमोनिया में नाइट्रोजन लिखा ना आपने, अमोनिया, अमोनिया के डोनर एटम, अमोनिया के डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन. वाटर के डोनर एटम ऑक्सीजन. OH नेगेटिव के डोनर एटम ऑक्सीजन. एसीटेट के डोनर एटम ऑक्सीजन. ठीक है, तो दीज आर डोनर एटम, सिंगल एक ही एटम डोनेशन करेगी. लेकिन बाइडेंटेट के अंदर देर आर प्रेजेंट टू लोन पेयर, देर इज डोनेशन ऑफ टू लोन पेयर्स एंड देर आर टू डोनर एटम्स. और इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, दैट इज इथिलीन डायमीन. ठीक है, देखें, ये रहा इथिलीन और ये रहा डायमीन, है ना, सिंपल. एक लोन पेयर इसके ऊपर, एक लोन पेयर इसके ऊपर, तो एक डोनेशन दूसरी डोनेशन हो गया ना, बाइडेंटेट. ठीक है, तो दिस इज इथिलीन डायमीन, इसको हम नोट करते हैं स्मॉल ई एन के साथ. ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सालेट आयन, ये इसका एग्जांपल हुआ ना, ऑक्सालेट आयन. देखें COO-, COO-, यही होता है ना, तो एक डोनेशन यहां से, एक डोनेशन यहां से. ठीक है, अच्छा इसको मैं और खोल के लिख देती हूं, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, O, यही हुआ ना ऑक्सैलिक एसिड. तो एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये रही एक डोनेशन, ये रही दूसरी डोनेशन. दिस इज ऑक्सैलेट आयन. ऑक्सैलेट आयन के अलावा वी ऑल्सो हैव सल्फेट, SO4-2-. देखिए सल्फर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो एक डोनेशन दूसरी डोनेशन. ठीक है, तो ये हो गया बाइडेंटेट सल्फेट आयन. ओके, कार्बोनेट, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव, एक डोनेशन दूसरी डोनेशन, ये हो गया कार्बोनेट. अब बाइडेंटेट के अंदर कार्बोनेट के अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग ग्लाइसिनेट आयन, CH2 ग्लाइसिन. ग्लाइसिन क्या होती है,
NH2COOH. द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब ये बन गया ग्लाइसिनेट आयन. ग्लाइसिन के ऊपर तो एक ही है, लेकिन ग्लाइसिनेट आयन के अंदर एक लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज. तो ये जो एरो मैं बता रही हूं, इन एरोज का मतलब है कि इसके अंदर दो डोनर एटम्स हैं. राइट, ओके. एक और कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. ऑक्साइन के अंदर आपको पता है एन के साथ ओएच जुड़ जाता है, इट इज शॉर्टली इट इज नोन एज डीएमजी. सी ये रहा डाइमिथाइल, कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड है, और डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. अब यहां पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक डोनेशन, दूसरी डोनेशन. तो दिस इज बाई डेंटेट आयन. ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए साथ साथ बना रही हूं, आप लोगों को भी साथ साथ में बना के रख लेने चाहिए. कई बार एग्जाम के अंदर वो सीधा पूछेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएमजी और नेम द डोनर एटम ऑफ डीएमजी, क्योंकि यहां पे ओएच भी है, आप ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, लेकिन लोन पेयर किसके ऊपर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर. इट इज कैपेबल ऑफ डोनेशन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये थे बाइडेंटेट लाइकेंस, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट के बारे में. पॉलीडेंटेट कौन होंगे, उनके अंदर दे विल बी हैविंग मोर देन टू डोनर एटम्स. पॉलीडेंटेट्स के अंदर देर विल बी मोर देन टू डोनर एटम्स, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूं आपको. इधर तीन होंगी तो ट्राइडेंटेट, चार होंगी तो टेट्राडेंटेट, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट लाइगेंस के बारे में, ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट, एक एक दो दो एग्जांपल्स हम लेंगे, आपके नोट्स में मैं काफी सारी डिटेल में भेज दूंगी. तो सबसे पहले ट्राइडेंटेट, दिस इज डाइइथाइल ट्राइएमीन, डाइइथाइल ट्राइएमीन. तो इट इज रिटन एज डाइइन. इथिलीन डाइएमीन को हमने लिखा था सिर्फ EN, एंड डाइइथाइल ट्राइएमीन इट इज रिटन एज डाई. देखिए दो इथाइल CH2, 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 हो गया. अब ट्राइएमीन, तीन अमीनो ग्रुप लगेंगे, एक अमीनो ग्रुप तो यहां लग गया ब्रिजिंग पे, एक लगा इसके साथ और एक लगा इसके साथ, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर. तो देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, बन गया डाइइथाइल ट्राइएमीन. सिंपल. तो दिस इज ट्राइडेंटेट, तीन डोनर एटम्स हैं और तीनों डोनर एटम्स कौन सी हैं, नाइट्रोजन. तो डाइइथाइल, दो इथाइल लगाए और उनको ज्वाइन करने के लिए हमने अमीन ग्रुप लगाया, लेकिन क्योंकि बॉन्ड दो बनने हैं तो NH लगेगा. क्लियर, ओके. नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेट, इसी को मैं मॉडिफाई कर दूंगी. अब मेरे पास आएगा टेट्राडेंटेट के अंदर डाई की जगह पे हो जाएगा ट्राई इथाई और ट्राई की जगह पे टेट्रा अमीन. देखना जरा, CH2, CH2 एक, CH2, CH2 दो, CH2, CH2 तीन. जोड़ो इसको NH, इसको जोड़ो NH और इधर क्या आ गया NH2, NH2, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, एक दो तीन चार, हो गई टेट्राडेंटेट, ठीक है. तो दिस इज टेट्राडेंटेट. तो इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको लिखा डाइईन, इसको हम लिखते हैं ट्राईईन। चलिए अब देखते हैं एक पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट पांच डोनर एटम्स होंगी उसके अंदर, पेंटाडेंटेट फाइव डोनर एटम्स। एग्जाम्पल इथिलीन, डाइएमीन, ट्राईएसीटेट। इथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट, ठीक है ओके। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल, देखिए पहले तो इथिलीन ओके, डाइएमीन ये लीजिए डाइएमीन हो गया। अब ट्राईएसीटेट मतलब इस एमीन का मैंने एच हटाया और यहां पे क्या लग गया सी एच टी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एसीटेट ग्रुप लग गया। इसका एच हटाया, देखो एसीटेट ग्रुप क्या था सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव यही था ना, या आप इसको लिखते सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव ऐसे लिख लो सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही इस एच के साथ इसका एक एच चला गया तो ये बन गया सी एच टू, अब थ्री नहीं लगेगा ना यहाँ पे, सिंगल एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव ओके। तो एसीटेट एसीटेट दो एसीटेट हो गए, कितने बोले हैं ट्राई एसीटेट, तो एक तरफ तो एच ही लगा है लेकिन यहां पे भी क्या बन गया सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, अब देखो एक दो तीन चार और इसको मैं इधर को बना देती हूं पांच, पांच डोनर एटम्स। लेकिन दो डोनर एटम्स क्या हैं, दो डोनर एटम्स हैं नाइट्रोजन एंड थ्री डोनर एटम्स क्या हैं ऑक्सीजन, टोटल कितनी हो गई पांच। तो दिस इज इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन, ट्राई एसीटेट आयन, क्लियर बात। तो ये कौन सी थी पेंटाडेंटेट, देखो पांच बॉन्ड बन रहे हैं एक दो तीन चार पांच, क्लियर ओके। नाउ हेक्साडेंटेट की बात करते हैं, हेक्साडेंटेट तो उसके अंदर होंगी सिक्स डोनर एटम्स, तो उसको हम कहेंगे इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, बस इसको भी हटाया सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव और ये लीजिए ये हो गए सिक्स डोनर एटम्स, ये हो गया हेक्साडेंटेट, क्लियर। तो ये थे टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, क्लियर सबको, हेक्साडेंटेट सिक्स टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, सिक्स टाइप ऑफ डोनर एटम्स ओके। अब आया व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी, फिर मैं एक ही एग्जांपल लूंगी बार बार, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लाइगेंड्स लगे हैं, नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। इसमें कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन सिक्स ओके, एफ ई एन आई सी एन फोर नेट चार्ज टू नेगेटिव, तो इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इट इज फोर ओके, देन कोबाल्ट सी एल थ्री थ्री अमोनिया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है तीन और तीन छह, कितने लाइगेंड्स लगे हैं और नंबर ऑफ लाइगेंड्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स
कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितनी डोनेशंस हुई हैं, वो बताता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ओके। मेरे पास है लेट इट बी कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ लगे हैं इथिलीन डाइमीन 3। बताओ जरा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3? नहीं, इथिलीन डाइमीन क्या है? बाइडेंटेट। ये बाइडेंटेट है ना, इथिलीन डाइमीन इज बाइडेंटेट, तो 2 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। मैं एक कंपाउंड लिखती हूं यहां पे, CO 6 अमोनिया Cl3। अगर सब कोई इससे हटा दिए जाएं तो इसके ऊपर कितना चार्ज शो होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 -3। ठीक है, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो इट विल शो कितना, +3। कोऑर्डिनेशन ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने लाइगेंड्स लगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो इसके साथ एनाइंस लगे हैं, जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ एनाइंस लगे हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, अगर हम इसको हटा देते हैं तो व्हाट चार्ज इट अपीयर्स टू हैव ऑन इट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे NiCN4 नेट चार्ज 2-। ओके, दिस इज -1, नेट चार्ज -2, इसके ऊपर कितना आया X, तो कितना आया X +4 × -1 = -2, X -4 = -2, तो X will be -2 + 4, it will be +2। आप 11th क्लास के अंदर ये सारा कुछ करके आए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये वो चार्ज है विच एन सेंट्रल मेटल एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट इज हैविंग इट्स आयोनाइजिंग एज वेल एज नॉन आयोनाइजिंग पार्ट प्रेजेंट टूगेदर, और अगर हम उसको हटाते हैं तो क्या चार्ज ही अपने ऊपर शो करेगा। राइट, नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक एंड हेटरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ओके, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, इसके अंदर सारे के सारे लाइगेंड्स एक जैसे हैं, होमोलेप्टिक, इसके अंदर दो तरह के आ गए हेटरोलेप्टिक। राइट, तो अगर सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स हों तो होमोलेप्टिक, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स हैं तो हेटरोलेप्टिक, उसे हम कहेंगे हेटरोलेप्टिक। क्लियर, ओके। अब इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और बता देती हूं, व्हाट इज किलेशन और किलेटिंग इफेक्ट। हमारे पास जो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया लेट इट बी प्लैटिनम EN2, राइट, Cl2। अब ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है, रीजन ये रहा प्लैटिनम और ये रहा इथिलीन डाइएमीन, दिस इज इथिलीन डाइएमीन। अब ये रहा कॉम्प्लेक्स, अब देखो साइक्लिक बन गया ना, इट हैज फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है एज कंपेयर टू अदर लाइगेंड्स जो इसके साथ स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड किलेटिंग लाइगेंड, वो लाइगेंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है एट द टाइम ऑफ डोनेशन, और वो हमेशा पॉलीडेंटेट में ही आएंगे, चाहे वो डाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, हेक्साडेंटेट हो, तो दे फॉर्म किलेट्स। किलेट का मतलब होता है कैले, कैले मीन्स इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, कैले मीन्स क्लॉ, बर्ड्स का क्लॉ होता है ना पंजा, ऐसे तो देखो सेम ऐसे बन जाता है, पंजे की तरह वो उसको जकड़ लेता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड किलेटिंग लाइगेंड, और जिस किलेशन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है दैट इज कॉल्ड किलेटिंग इफेक्ट।
तो ये तो इथिलीन डाइअमीन था, आप इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, तो इट वॉज किलेशन और किलेटिंग इफेक्ट। फिर होते हैं एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लाइगेंड्स। कुछ ऐसे लाइगेंड्स हैं जिनके पास दो डोनर एटम्स हैं, जैसे साइनाइड। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करे, ठीक है, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करे तो नेट नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड साइनो। और अगर ये सी के थ्रू करे तो आइसोसाइनो। तो इट कैन डोनेट थ्रू सी, इट कैन डोनेट थ्रू एन। तो इसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं साइनो एन साइनो सी, ऐसे भी लिख सकते, या तो आइसोसाइनो लिखिए आप जब ये डोनेशन है थ्रू नाइट्रोजन, जब डोनेशन है थ्रू कार्बन तो आइसोसाइनो और साइनो सी, साइनो और साइनो एन। इसी तरीके से एससीएन, ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं एनसीएस। तो जब नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन है तो दिस इज कॉल्ड थायोसाइनेटो, और जब एस के थ्रू डोनेशन है तो इस इज कॉल्ड आइसो थायोसाइनेटो, और हम इसको क्या बोलते हैं थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एस। तो ऐसे बहुत कम हमारे पास लाइगेंड्स हैं जो दो तरह, दो उनके अंदर एक ही लाइगेंड के अंदर दो तरह के डोनर एटम्स हैं, और वो प्रेजेंट भी ऐसे ही होती हैं कि चाहे वो उधर से चाहे वो उधर से। ऐसे ही ये है मेरे पास नाइट्रो, अगर ये ओ के थ्रू करे तो इट इज कॉल्ड नाइट्रो, अगर ये एन के थ्रू करे तो इट इज कॉल्ड, एन के थ्रू करे तो नाइट्रो और ओ के थ्रू करे तो नाइट्रीटो, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंट लाइगेंड्स। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन, हमने क्या क्या पढ़ा आज। मैं यहां पे एक कॉम्प्लेक्स लिख लेती हूं, लेट इट बी कोबाल्ट NH3 6 इसके बाहर लगा है Cl3। ओके, अब देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोजिंग सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स, ठीक है। ओके, अब ये क्या है इसमें, सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, दिस इज -1 +3 है ना चार्ज। ओके, अब ये रही सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, अमोनिया क्या है, लाइगेंड। अब ये जो 6 लिखा है इसके साथ ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लाइगेंड्स लगे हैं, कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये आयोनाइज होकर पानी में जा सकता है क्योंकि स्फीयर के बाहर है, दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो लिखा है 3+, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, यही कुछ पढ़ के आए ना, सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, लाइगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है नंबर ऑफ लाइगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। और ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी नॉर्मल वैलेंसी, ये वाला पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और अनआयोनाइजेबल, लेकिन स्फीयर के बाहर ये जो 3 Cl लगे हैं ये आयोनाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं आप देखो वो सारी की सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा, अब ये होमोलिप्टिक है कि हेट्रोलिप्टिक,
यस, क्योंकि एक ही तरह के लाइगेंड्स हैं, तो इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. तो आई होप जितनी भी डेफिनेशंस हमने की आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी. ठीक है, तो इस लेक्चर की वीडियो मैं आपको जो भी एनिमेशन होगी मैं आपको सेपरेटली शेयर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें. स्टे होम, स्टे सेफ.